जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज लैब पर। दोस्तों बहुत बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है, भयंकर चेतावनी निकल कर आ रही है मौसम विभाग के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बड़े ध्यान के साथ देखना, दो मिनट में आपको पूरी खबर बता के जा रहा हूँ। मौसम विभाग की पूरी खबर केवल आपको दो मिनट में बता कर जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से 13 राज्यों में हाई अलर्ट चेतावनी जारी करी है। मौसम विभाग का कहना है कि बाढ़ आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बाढ़ आने वाली है यहाँ पर। अब जैसे बाढ़ आ जाती है तो क्या हालत होगी, आपको पता होगा पिछले साल असम में जो बाढ़ आई थी दोस्तों, उसमें कितने लोगों की जाने जा चुकी थी और दोस्तों कितने लोग जान माल से दूषित हुए थे, कितने लोगों के घर बर्बाद हो चुके थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके अपने चैनल न्यूज लैब के द्वारा हम आपको बता रहे हैं पूरी खबर, पूरी चेतावनी जो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है, जिसमें दोस्तों अगर बाढ़ आ भी जाती है तो दोस्तों आपको पूर्वानुमान लगा सके और दोस्तों आपको पहले से ही सावधान कर रहे हैं। तो वीडियो की अगर पूरी बात जानते हैं उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर देता हूँ। अगर आपके चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक छोटा सा लाल बटन है दोस्तों, इसको वीडियो को ऊपर सरकाना। आप नीचे एक लाल बटन लिखा होगा, उसके ऊपर सब्सक्राइब का नाम लिखा होगा दोस्तों। वहाँ पर जो सब्सक्राइब का नाम लिखा हुआ है ना, वहाँ पर उसको क्लिक करना है और जैसे ही सब्सक्राइब कर लोगे उसके पास में एक घंटे कलर का एक बटन होगा, छोटा सा घंटे जैसा। उस घंटे को दबाते ही हम जैसे ही नया वीडियो डालेंगे आपके पास फटाफट से पहुंच जाएगा, सबसे पहले आपके पास ही पहुंच जाएगा। अच्छा उसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपके गांव और शहर का नाम लिखना है, जिससे दोस्तों बारिश का कुछ भी चेतावनी होती है, पूर्वानुमान होती है, हम आपको सबसे पहले बता सकते हैं कि आपके राज्य में बारिश आने वाली है, आपके गांव में बारिश आने वाली है, रामगढ़ में बारिश आएगी, सीतापुर में बारिश आएगी, तो हम आपको पहले से ही बता देंगे। अच्छा यहां पर दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी निकल कर आ रही है कि उत्तर पूर्व के कई राज्य बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित है। IMD ने जारी की भयंकर चेतावनी। जी हां दोस्तों, बड़े ध्यान के साथ देखना, यहां पर मौसम विभाग ने देश के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। उसके अलावा दोस्तों असम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं, आपको पता होगा मध्य प्रदेश में तो हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि वहां पर स्कूलों में छुट्टियां की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में दोस्तों लाइटें बंद हो चुकी है, आपको पता होगा मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में क्या होता है आपको पता ही है, बारिश आने से पहले ही लाइट चली जाती है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है ना दोस्तों, वहां पर लाइट एक मिनट नहीं जाएगी। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि 24 घंटे पूरे देश भर में बिजली देंगे। लेकिन दोस्तों कांग्रेस की सरकार है क्या कहना है आपको बता दें, बाढ़ की वजह से राज्य के कई जिलों में करीब 62,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। दोस्तों ध्यान रखना 62,000 से ज्यादा लोग परेशान है। दोस्तों बाढ़ आने वाली है, उनके घर पर उनके घर परिवार उछड़ने वाले हैं, पशु पक्षी दोस्तों क्या करें, गाय भैंसे ऐसे ही डूब रही है। यहां पर असम राज्य आपदा मोचन प्राधिकारी के मुताबिक राज्य के 145 गांव पानी में डूबे हुए हैं और जबकि 3,435 हेक्टेयर जो फसल है ना उसको नुकसान पहुंचा है। यहां पर दोस्तों किसानों की सबसे बड़े नुकसान हुआ है कि किसानों की जो फसल है ना वो पूरी तरह से पानी में गल चुकी है। पानी भरने के साथ ही खेतों में इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि लोग बाग दोस्तों पूरे कमर तक पानी भरा हुआ है। और इसके अलावा मौसम विभाग ने भविष्यवाणी के बाद यहां पर हालात और भी बिगड़ सकते हैं। फिलहाल राज्य में बाढ़ से धेमाजी, लक्ष्मीपुर, विश्वकोटा, बारपेटा जैसे कुछ जिले है ना दोस्तों, वहां पर 62,400 लोग प्रभावित हुए हैं। प्राधिकरण ने 2 जिलों में 5 राहत शिविर और वितरण केंद्र भी शुरू किए हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के हरे ग्रुप में शेयर करना है, जिससे कि दोस्तों सैकड़ों लोग शरण लिए हुए हैं ना दोस्तों असम राज्यों के तटीय इलाकों में। उसके अलावा आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी कमेंग में कुछ इलाके बाढ़ और भूस्खलन के चलते दूसरे राज्य से कट गए हैं। दोस्तों आपको बता दें भूस्खलन क्या होता है कि पानी आती है ना, पानी के साथ ही मिट्टी अपने आप ही बहने लगती है, मिट्टी अपने आप बहकर दोस्तों इतना ज्यादा और इतना गहरा खड्डा हो जाता है कि सड़कें खराब हो चुकी है। यहां पर दोस्तों आपको पता होगा जहां पर कांग्रेस की सरकार होती है ना वहां पर तो सड़कों का क्या हाल होता है आपको पहले से पता होगा। कुछ जगहों पर पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जब नदियों के पुल ही क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, पुल टूट चुके हैं, अब दोस्तों आने जाने का जो साधन है वो कुछ नहीं बचा है। उसके अलावा आपको बता दें मौसम विभाग की तरफ से बादल फटने की ताजा चेतावनी जारी करी है और 1 घंटे में 100 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। दोस्तों 1 घंटे में 100 मिलीमीटर की बारिश होना कितना बड़ा अपने आप में है दोस्तों आप खुद समझ लीजिए। तो दोस्तों हम आपको सावधान कर देते हैं, आपको चेतावनी जारी कर देते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से जो भी चेतावनी जारी की जाती है वो आपको अपने चैनल न्यूज लैब पर आपको बता दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहां पर हम अगले महीने एक अनाउंसमेंट और गिव अवे निकालने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करेंगे और दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप के हर एक ग्रुप में शेयर करेंगे, उनको दिया जाएगा एक एक 55 इंच का MID TV। दोस्तों 55 इंच का एक LED TV दिया जाएगा। आपको क्या करना है, आपको केवल वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, अभी इस वीडियो को यहीं पर कर देते हैं समाप्त। जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद दोस्तों।